दोस्तों, हम हर समय माँ के बारे में पढ़ते हैं। माँ के लिए हर जगह शेरो शायरी, माँ के लिए हर समय कुछ ना कुछ ज्यादा इमोशंस होते हैं, और कहीं ना कहीं ये हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में पिता का क्या योगदान है। पिता क्या है, आज मैं बताता हूँ। एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है आप लोगों के लिए कि पिता एक उम्मीद है, पिता एक उम्मीद है, एक आस है, परिवार की हिम्मत और विश्वास है, बाहर से सख्त अंदर से नर्म है, उसके दिल में दफन कई मर्म है। पिता संघर्ष की आंधियों में हौसलों की दीवार है, पिता संघर्ष की आंधियों में हौसलों की दीवार है, परेशानियों से लड़ने को दो धारी तलवार है। बचपन में खुश करने वाला खिलौना है पिता, बचपन में खुश करने वाला खिलौना है, नींद लगे तो पेट पर सुलाने वाला बिछौना है। और जानोगे पिता क्या है, पिता जिम्मेदारियों से लदी गाड़ी का सारथी है, पिता जिम्मेदारियों से लदी गाड़ी का सारथी है, सबको बराबर का हक दिलाता यही एक महारथी है, सपनों को पूरा करने में लगने वाली जान है, सपनों को तुम्हारे सपनों को पूरा करने में लगने वाली जान है, इसी से तो माँ और बच्चों की पहचान है। पिता 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 जमीर है, पिता जमीर है और पिता ही जागीर है, ये याद रखना कि पिता ही जमीर है, पिता ही जागीर है, और जिसके पास ये है अरे वो सबसे बड़ा अमीर है, जिसके पास ये है वो सबसे बड़ा अमीर है, और कहने को तो ऊपर वाला सब कुछ देता है, है अतुल दे, कहने को तो ऊपर वाला सब कुछ देता है, लेकिन पर खुदा का एक रूप पिता का मान है, खुदा का एक रूप पिता का मान है। तो हमारे जीवन का पिता ही आधार है, पिता ही पहचान है, और पिता ही है जो दुख कष्ट हर एक चीज अपने सीने पे सहता है, और अपने बच्चों को कभी एहसास नहीं होने देता कि वो किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो आप सभी के फादर्स के चरणों में मेरा सत सत नमन, ईश्वर उनको सदैव स्वस्थ रखे, हमेशा उनको खुशियाँ दें, और आपको ऐसे ज़रूर कुछ पल दें जिससे आप अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखें। सदा खुश रहें, मस्त रहें, सलामत रहें, और यूं ही हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें आप और आपके माँ बाप। थैंक्स लॉर्ड, थैंक यू सो मच, वंस अगेन हैप्पी फादर्स डे टू ऑल, थैंक्स लॉर्ड।